माई चैनल। तो जो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वैसे मेरी सारी वीडियोज़ इंपॉर्टेंट होती है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिकमेंडेशन लेटर के बारे में। सबसे पहले कि आपको 5 रिकमेंडेशन लेटर लेने होते हैं, बताने वाली क्यों लेने होते हैं, टेंशन मत लो। तो 5 रिकमेंडेशन लेटर उन्हें लेने होते हैं, और रिकमेंडेशन लेटर के अंदर लिखवाना क्या होता है। वैसे तो आपके टीचर्स को पता होता है कि रिकमेंडेशन लेटर के अंदर लिखना क्या है, बट फिर भी एक क्लियर आइडिया देने के लिए मैं बताने वाली हूँ कि आपको उसके अंदर लिखवाना क्या है। और आपको वो हैंड रिटन हाथ से लिखवाने वाला चाहिए या फिर टाइप करवाना है, तो मैं वो भी बताने वाली हूँ, और उसको भेजते कैसे हैं वो भी बताने वाले। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिकमेंडेशन लेटर। मेरे पास ये रिकमेंडेशन लेटर का फॉर्म है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके अंदर लिखना क्या होता है। नहीं, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बारे में, क्योंकि ये भी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, वो हम बाद में रहेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम बात करेंगे इस रिकमेंडेशन लेटर फॉर्म के बारे में। अभी पता नहीं मुझे, शायद ये उल्टा दिख रहा है, लेकिन मैं कहीं पे फोटो लगा दूंगी इसकी, अगर मुझे आ गई तो फोटो लगानी, तो मैं कहीं फोटो लगा दूंगी। तो सबसे पहले आपको अपना पहले आपकी डिटेल्स लिखी होती है, आपको अपनी डिटेल्स लिखनी होती है। उसके बाद नीचे आपके रिकमेंडर जो आपको रिकमेंड कर रहे हैं उनकी डिटेल्स लिखनी होती है। ये आपको खुद लिखनी है, ये वो लिख के वो टीचर नहीं लिखेंगे, ये आपको फॉर्म भरते हुए लिखना है। लिखना इन द सेंस वो वाला लिखना नहीं, टाइप करने वाला लिखना है, ठीक है। तो इसमें आप अपनी डिटेल्स भरना, और इसमें आपके जो भी आपको रिकमेंड कर रहे हैं उनका नाम, उनकी पोजीशन, टाइटल, स्कूल, वहाँ पे लिखा हुआ है पूरी डिटेल, तो आप उसको पढ़ के भर देना। अब बीच में जो लिखा हुआ है ना, वो लिखा हुआ है कि आपके रिकमेंडर को लिखना क्या है, लेटर जब वो लिखेंगे तो उनको क्या चीज़ें ध्यान में रख के लिखना है। तो आप चाहो तो ये लेटर सीधा अपने को जो अपने प्रोफेसर है उनको जाके दिखा दो, टीचर, प्रिंसिपल, जो भी हैं, कि आपको ये लिखना है। और तो इसमें जो लिखा हुआ है ना कि इसमें लिखा हुआ है कि आपका रिलेशनशिप क्या है स्टूडेंट के साथ, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। तो जो रिकमेंडेशन लेटर होता है जो आपके टीचर या प्रोफेसर लिखेंगे, तो उनको आप बोलना कि हैंड रिटन ना करके टाइप कर दें, ठीक है। टाइप ज़्यादा बेटर रहता है, मैंने तो टाइप ही करवाने के लिए बोला था, तो आप भी टाइप ही कराना, ये मेरा टिप है। और दूसरा टिप ये है कि आप अपने एक ऐसे टीचर से ये रिकमेंडेशन लेटर लिखवाना जो कि आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, जिनसे आपकी बनती हो, इन द सेंस मतलब वो आपको आपकी तारीफ़ कर सकें, क्योंकि रिकमेंडेशन लेटर ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके जीके सिलेक्शन में। ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बाकी तो और भी सारे हैं इंपॉर्टेंट रोल करने वाले, बट SOP, पर्सनल स्टेटमेंट, स्टडी प्लान और रिकमेंडेशन लेटर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आपका रिकमेंडेशन लेटर एक अच्छा होना चाहिए, आपकी तारीफ होनी चाहिए उसके अंदर, आपकी स्ट्रेंथ दिखनी चाहिए। तो आप एक अच्छे अपने टीचर से कराना जो कि आपके बारे में अच्छी बातें लिखे और आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते हों, तो उनसे लिखवाना है और टाइप करवाना है। तो ये तो उनके रिकमेंडेशन लेटर के अंदर लिखने की बात होगी। अब मैं बताती हूँ कि 5 क्यों लेनी है। अब मैं ये पूरा डिटेल में नहीं जाने वाली कि एम्बेसी ट्रैक में कितने सेट्स और क्यों चाहिए होते हैं, या यूनिवर्सिटी ट्रैक में कितने सेट्स क्यों चाहिए होते हैं। ये तो आप मेरी हाउ टू फिल GKS फॉर्म में मैंने बता रखा है कितने सेट्स चाहिए और क्यों चाहिए। तो सीधा सीधा मैं बताती हूँ कि एम्बेसी ट्रैक में आपको 4 सेट चाहिए होते हैं, यूनिवर्सिटी ट्रैक में 1 चाहिए होता है। तो इस तरीके से आपको 5 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होता है, क्योंकि अगर उन्होंने 1 दिया और आपने और 1 देने के बाद आपको उसकी फोटोकॉपीज भी लगानी होती है, यूनिवर्सिटी ट्रैक में भी भेजना होता है, अगर आप दोनों तरफ से अप्लाई करते हो, जैसे एम्बेसी ट्रैक से अगर आपका नहीं हुआ तो यूनिवर्सिटी ट्रैक में अप्लाई करते हो, तो सेफ साइड के लिए 5 निकलवा के रख लेना। और अब फिर क्या होता है कि जो रिकमेंडेशन लेटर होता है ना, वो एक एनवलप के अंदर जाता है, जिसके ऊपर मतलब एक स्टैम्प होती है टीचर्स की या प्रिंसिपल की, जिससे भी आप लिखवा रहे हो उनकी स्टैम्प और साइन होते हैं। तो कभी कभार क्या होता है, टीचर इतने सारे एनवलप्स पे साइन करने में थोड़ा मना कर देते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं, उनके भी कुछ अपने रीजंस हैं, तो वो मना कर सकते हैं। तो आप एक काम, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप 2 पे तो पक्का पक्का वाला एकदम ओरिजिनल करवा लेना, कि इस पे इसकी जो एनवलप है उस पे भी एक लीगल एक स्टैम्प होनी चाहिए, क्योंकि एक आपके एम्बेसी ट्रैक में ओरिजिनल सेट जाता है, यूनिवर्सिटी ट्रैक में भी ओरिजिनल सेट जाता है, और एम्बेसी ट्रैक के जो ओरिजिनल सेट के बाद जो आप 3 अलग सेट बनाते हो, तो उसमें आप फोटोकॉपी से काम चला सकते हो, मतलब उसका एनवलप पे साइन ना भी हो तो चलेगा, स्टैम्प ना चलो, लेकिन 1 पे तो होना ही होना चाहिए, और यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए भी 1 पे होना चाहिए। तो आपको 2 पक्के पक्के चाहिए, हो सके मैंने तो 5-5 करवा दिए थे क्योंकि मुझे रिस्क नहीं लेना था कुछ भी, तो 5 आप करवा लेना। और दूसरा भेजने का तरीका, जैसे मान लो कि उन्होंने ये आपको एनवलप दिया, ये अभी वो एनवलप नहीं है, लेकिन मान लो कि ये वो एनवलप है, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये ब्राउन कलर का एनवलप में लिखवा के दो आपने, अगर वो 5 एनवलप आपको नहीं दे रहे हो, मतलब आप बोल रहे हो कि इतना एनवलप क्यों दें, तो आप उनको खुद जाके एनवलप दे देना कि इन पे डाल के भेज देना हमें।
तो ज़रूरी नहीं है ब्राउन कलर का हो, किसी भी कलर का हो सकता है। ये मत करना कि दुकानों पे जाके यही कलर ढूंढने लग जाओ कि ब्राउन कलर का दे दो, तो ब्राउन कलर की ज़रूरत नहीं है। तो मान लो ये रिकमेंडेशन लेटर है और ये आपका फॉर्म है जो कि GKS एप्लीकेशन फॉर्म में आता है, जो आपने खुद भरा हुआ है अपनी डिटेल्स वगैरह, और इसके अंदर आपका रिकमेंडेशन लेटर है। तो आप ये मत करना कि आपने सिर्फ ये भेज दिया या फिर सिर्फ ये भेज दिया, ये भी नहीं चलेगा। ये नहीं कि आप सिर्फ रिकमेंडेशन लेटर भेज दोगे, आपको ये वाला फॉर्म उसके साथ लगाना पड़ेगा। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। तो अगर आपको हो चुका है वैसे तो सारी डिटेल्स हो चुकी है, तो अगर आपको और के क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। बस टेक केयर, बाय बाय।